ये मैं हूँ, ये रोड है, ये मेरी बाइक है, वो तालाब है और यहाँ पे मोटर व्लॉग हो रहा है। Hi guys, आरती here and welcome back to my channel। मैं गांव में हूँ और यहाँ पे एकदम मस्त ऐसे चिल वाइब है और यहाँ पे आने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ये जो राइड है मैंने आज लेट चालू किया था। घर पे ऐसे ही मस्त चिल बैठी थी, खाना खाया, थोड़ा सो गई और बाद में ना ऐसे लगा कि अरे आज राइड पे जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए, तो मैंने राइड चालू की। तो राइड मेरी चालू हुई थी 4 बजे, तो ये जो व्लॉग है ना वो काफ़ी पहले चालू हुआ था 4 बजे। तो अभी ना ये व्लॉग को मैं थोड़ा रिवाइंड करती हूँ, तो हम लोग पीछे जाते जहाँ से मैंने राइड चालू की थी। तो अभी ये गाँव का रास्ता चालू हो गया। जी, रास्ते पे है मुर्गियाँ, मुर्गियाँ के बाजू में है अंडे बहुत सारे, कैन यू सी। अरे रुको रुको, ढल गया दिन, अभी अभी तो आई हूँ, अभी तो मोटर व्लॉग करना है, ब्रेक लगाओ ढिशक्याऊ। मुझे ना क्या होता है कभी कभी मुझे पता नहीं चलता, लेकिन ये बाइक पे बैठी हूँ ना और खुद के धुन में होती हूँ तो ये सब हरकतें चालू हो जाती है। तलावा चाहते जाते हो रोड? हाँ ओके थैंक यू। उस सामने वाली आंटी हूँ देख के मुझे हंस रही है तो मैंने भी स्माइल बैक कर दिया और अभी मुझे करना है क्रॉस। वेट अ मिनट, इनको तो रुको रुको नहीं बोल सकती, मुझे ही रुकना पड़ेगा। जो मेरा लोकेशन है वहाँ पे जाने के लिए अभी यहाँ से मुझे हाफ एन आवर लगेगा और ये है हाईवे। ना करे क्या ना करे ये क्या, लेट्स कंटिन्यू। मून राइज भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑफकोर्स तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन ये प्रतीक टेम्पो सर्विस वाले को बहुत घाई थी। क्या तुम्हें भी चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें भी वहाँ पे सनसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैंने ना गूगल पे खास कुछ इतना सर्च किया नहीं था कि ये जगह पे क्या है, लेकिन मुझे सब जगह पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये पता है कि थोड़ा मैं आगे जाऊंगी तो मुझे एक लेक दिखाई देगा, तालाब दिखाई देगा। लेकिन मैं आज सच बोलूँ ना, मैं जाना चाहती हूँ कि गांव की गलियों में, जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसे मस्त गांव के घर दिखाई देते हैं, गांव के लोग दिखाई देते हैं। एंड जब ऐसे कोई लड़की बाइक चला के आती है ना तो ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए होता है, तो मुझे ना ऐसे बहुत बात करने के लिए मन करता है उनसे, मैं जाके बात करूँ ऐसा बहुत लगता है अंदर से। लेकिन पता नहीं, छोटे बच्चे आगे आते हैं, बाकी सब कोई आगे आता नहीं है। क्या तुम्हें भी ये मुर्गियाँ और उसकी फैमिली रास्ता क्रॉस करते हुए दाई ओर जाती दिखाई दे रही है? मस्त है यार, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। अभी मुर्गियों की फैमिली गई तो अभी बकरियों का पूरा खानदान आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये मेरी तरफ ही आ रहे हैं। आ जाओ यार, मुझे ना गाड़ी साइड में रुका के देखना है। इसमें ना ऐसे बच्चा होना चाहिए एक छोटा सा कि जिसको मैं उठा सकूँ, बच्चा तो है नहीं यार, सब बूढ़े हैं और टीनेजर्स हैं। हाय, नो भाव एट ऑल। अभी फिलहाल ये लोकेशन पे मैंने काफ़ी चल किया है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा आगे जाऊँ और घर पे पहुँचते पहुँचते तो मुझे 9-10 हो जाएंगे, इतना तो पता है। थोड़ा अभी आ ही गई हूँ तो घूम भी लेती हूँ, लेट्स गो। अभी सनसेट हो चुका है। गांव में नॉर्मली ना जब सनसेट हो जाता है तो लोग घर पे रिटर्न जाते हैं, वैसे ही कुछ ये सीन है। रास्ते पे कुछ ज़्यादा पब्लिक है नहीं, अभी रात होने के लिए आई तो मैं ज़्यादा रुकूंगी नहीं वो स्टॉप पे। ये देखो गांव के लोग और ये आया स्पीड ब्रेक कार। हेलो, तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा गांव की तरफ आते हुए, ये ना इसको कुछ तो बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मस्त यहाँ से पानी निकालता है। ये साइड, ये पीछे वाली साइड दिख रही है ग्रीन, वहाँ पे बैठ के मस्त ऐसे कुछ तो पीने का मन कर रहा है, चिल करने का मन कर रहा है, मस्त लगेगा यहाँ पे ऐसे दोस्तों के साथ चिल करने के लिए। एंड रात को मस्त ऐसे ऊपर स्टार्स दिखाई देंगे, लेट जाने का ऊपर स्टार्स देखने का, तारों को देखने का और तारों को देखते देखते सो जाने का। और ये महा स्पीड ब्रेकर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, देखो ज़रा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ दिखाई दे रहा है यार, यहाँ पे ना ज़्यादा पब्लिक होता नहीं है।
तो मैं ज्यादा आगे जाऊंगी नहीं। ये सब लोग किधर से आ रहे हैं? बाजू बाजू रुको, मुझे जाने दो। क्या मस्त है यार, अगर तुम्हें ये देख के मजा आ रहा है तो सोचो मुझे ये यहाँ पे बाइक चलाने में कितना मजा आता होगा। एक बार ना मैं यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम, और ना आगे से एक लेडी आई थी, तो मैंने उनको पूछा था कि आंटी आगे क्या है, कुछ है क्या? देन शी वाज लाइक आगे कुछ नहीं है, जंगल है। सच में आप देखोगे तो सच में आगे जंगल है, लेकिन आगे ना एक स्पॉट बहुत मस्त है जहाँ पे मैं अभी नहीं जाऊँगी। अभी मैं सीधा यहाँ से यू टर्न लूँगी, बस ये बाइक वाले को जाने दो, उसके बाद मैं यू टर्न लूँगी। अगर ये यही स्पीड से जाएगा तो शायद मैं एक साल के बाद यू टर्न लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैं ना ऐसे चुटकुले मारती रहती हूँ बीच में। चलो जी यहाँ पे यू टर्न लेते। यहाँ पे यू टर्न लेना मतलब हे राम, यहाँ से लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा रोड है ये कंपेरेटिवली। एंड ये मारा मैंने, हाँ यू टर्न। अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा पीछे जाती हूँ तो टन टन आटन हो जाएंगे, पैर फिसलने वाला था राइट। देखो तुम मेरे मोटो ब्लॉग्स देखते हो ना तो डरो मत, मतलब मैं ऐसे बीच में चिल्लाती हूँ, तुमको हंसाऊंगी भी थोड़े ऐसे चुटकुले मार के, बस तुम घबराना मत ओके। आओ यार ओके, क्या बोलते हो अभी हो जाएगा यू टर्न? सांस फूल गई, हो जाएगा। चलो ये नाइस ओके, थोड़ा मुझे यहाँ पे रुकने दो, थोड़ा मैं भी ये मोमेंट एंजॉय करती हूँ। ऊपर मून, पानी, ज़मीन, खेती, पर्वत, मेरी बाइक और मैं। चलो जी अभी हम शुरू करते हैं बाइक। अभी मुझे रोड पता है तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत है नहीं, मुझे पता है कि मैं बाइक चलाती हूँ ना तो ये काफ़ी ऐसे वाइब्रेट होता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि ये फ़ोन ऐसे ना उछल के मेरे ही मुंह पे ना आ जाए या नीचे गिर ना जाए, बट ऐसे कभी हुआ नहीं है, टच वुड। लेट्स गो गाइस, लेट्स हैव सम फन। आई एम डन, हो गया ऑफ रोडिंग, अभी गाँव आ जाएगा। ऊपर लिखा है मुंबई यहाँ से 74 किलोमीटर्स पे है। राइट को लेके निकालती हूँ बाइक आगे, रास्ता खाली है। थैंक्स स्वीटहार्ट। Solo me resiste.